तो चंडीगढ़ से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आज हरियाणा कांग्रेस की जनरल हाउस की बैठक है, काफी अहम ये बैठक। बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। चंडीगढ़ स्थित पार्टी मुख्यालय में होगी हरियाणा कांग्रेस की बैठक। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी शामिल होंगे। अध्यक्षता करेंगे प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया। एसआरके ग्रुप को भी बैठक के लिए निमंत्रण भेजा गया है। बैठक में पार्टी के अन्य नेता भी शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार होगी, किस तरीके से लोकसभा चुनाव एकजुटता के साथ लड़ना है। एसआरके गुट को भी निमंत्रण भेजा गया है, यानी कि कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी, इन्हें भी निमंत्रण भेजा गया है। और समूची कांग्रेस को एकजुट करने का एक प्रयास भी इस मीटिंग के माध्यम से कहा जा सकता है, क्योंकि प्रदेश में जो गुटबाजी है, गुटबाजी का शोर है, उसका जोर केंद्रीय कांग्रेस तक भी सुनाई दे रहा है, आलाकमान तक, दिल्ली तक ये शोर पहुंच रहा है। और अब एकजुट करने का प्रयास इस मीटिंग को माना जा सकता है जो आज रहने वाले। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता गुलशन ग्रोवर हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। गुलशन ग्रोवर, आज काफी अहम मीटिंग है लोकसभा चुनाव को लेकर, तो जाहिर सी बात है चर्चा होगी ही, और एक प्रयास भी है कह सकते हैं गुलशन कांग्रेस को एकजुट करने का, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये जो गुटबाजी का शोर है ये अब दिल्ली तक जा रहा है। देखिए वसंत, बिल्कुल हरियाणा कांग्रेस की जो गुटबाजी है वो आलाकमान तक पहले से ही है, क्योंकि लगातार हम जो बयानबाजी देखते हैं उसमें साफ तौर से वो नजर आती है। और फिलहाल आज एक कांग्रेस की जनरल हाउस की बैठक है जो कि काफी अहम ये बैठक मानी जा रही है। इस बैठक के अंदर सभी नेताओं को निमंत्रण भेजा गया था, जिसमें मौजूदा विधायक हो, पूर्व विधायक हो, पूर्व सांसद हो, 2019 में जो कांग्रेस से लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ चुके प्रत्याशी हो, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के डेलीगेट्स हो, महिला कांग्रेस के पदाधिकारी हो, सेवा दल के पदाधिकारी हो, यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी हो, एनएसयूआई के पदाधिकारी हो, तमाम जितने भी कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता और नेता है उन सभी को आमंत्रित किया गया है। हरियाणा कांग्रेस अपने आप को एकजुट दिखाने और लोकसभा चुनाव में ताकत के साथ उतरने के लिए आज की ये जनरल हाउस की बैठक है। और कांग्रेस का जो घर घर कांग्रेस अभियान है, जो उसे चलाने का जो निर्णय लिया गया है, उस अभियान के तहत आप आज सभी जिलेवार नेताओं की भी ड्यूटी जो है तय की जाएगी, ताकि इस अभियान के तहत केंद्र सरकार और प्रदेश में जो गठबंधन की सरकार है उनकी जो नीतियां हैं, जनविरोधी नीतियां हैं, उनको उजागर किया जाएगा घर घर कांग्रेस के अभियान के माध्यम से। आज 2 बजे चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में ये बैठक होनी है, जिसमें सभी को आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा आज देखना होगा कि जो एसआरके ग्रुप है, कुमारी शैलजा है, रणदीप सिंह सुरजेवाला है या फिर किरण चौधरी है, वो भी इस बैठक में पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं, ठीक है, क्योंकि इस बैठक में उन्हें भी आमंत्रित किया गया है। इस बैठक की जो अध्यक्षता है वो हरियाणा कांग्रेस के जो प्रभारी हैं दीपक बावरिया, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक होनी है जी, जिसमें तमाम नेता जो है शिरकत करेंगे। 2 बजे का जो समय है वो दिया गया है। अब देखना होगा कि आज की बैठक में हरियाणा कांग्रेस क्या कुछ सरकार के खिलाफ जो है नजर आती है, और जो घर घर कांग्रेस अभियान है उसको सफल बनाने में कितनी कामयाब हो पाती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गुलशन, नजर बनाए रखिएगा इस मीटिंग पर, जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।